مقامات مقدسة یہ مقامات مقدسة اللہ والوں سے ہے جو وابستہ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन पहुँच चुके हैं एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में। इनका नाम क्या है? हज़रत सैयदना फ़सीह रहमतुल्लाहि तआला। ये कौन है जानते हैं आप? हाँ नाज़रीन, ये हज़रत सैयदना हुज़ूर ग़ौस आज़म रहमतुल्लाहि तआला के ख़लीफ़ा हैं। बताने वालों ने हमें ये बताया कि ये जो है हज़रत सैयदना ग़ौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला के ख़लीफ़ा हैं। तो माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई आए हुए हैं यहाँ पर, तो हमारा जहन बना जो है इंशाल्लाह ज़वजल के मज़ार पर हाज़िरी दें। ये जो है प्यारे इस्लामी भाइयों, सहसवान ये यूपी का एक कस्बा है और जो है बदायूं शरीफ का एक ये कस्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए हुए हैं। आइए चलते हैं, मज़ार पर हाज़िरी करते हैं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह की ये जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जो वाबस्ता है मकामात मुकद्दसा, तेरे दर से मंगतों का गुजारा या फसी बाबा, तेरे दर से मंगतों गुजाराया फसीह बाबा। ये सुनकर मैंने भी दामन पसाराया फसीह बाबा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा, वालों से है जो वाबस्ता है मकामात। हस्ती की बारगाह में हाजिर है मौला, अदब के साथ हाजिरी की है मौला, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल, जितने इस्लाम भाइयाँ मौजूद हैं मौला, और जितने मौला हमारे साथ यूट्यूब के ज़रिए मौजूद होंगे मौला, उन सब को मौला बरकतें अता फरमा। ए मौला करीम अज़्ज़ा वजल, हम सब से सदा के लिए राज़ी हो जा। ए करीम ऐसा राज़ी हो जा कभी नाराज़ ना होना। हज़रत सैयदना फ़सीह रहमतुल्लाहि तआला के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हम सब पर रहमत की नज़र फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मौला हिफाजत फरमा, अमन व चैन व सुकून कायम फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, बातिल का मुँह काला फरमा। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मकामात मुकद्दसा।